अपने उद्बोधन को व्यक्त करें। शाम का चौप्यार का समय जो रहेगा प्रॉपर उसमें आप अपना भोजन ग्रहण करें। रात्रि के अंदर सूर्यास्त के बाद किसी को भी भोजन की अनुमति यहाँ से भी नहीं है और शाम के भोजन में झूठा नहीं जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुधीर लुनावत, ये हमारे नोखा गांव का ये और नोखा से ये परिवार गंगा से जाके बस गया। मैं बाबूलाल लुनावत नोखा मंडी पूर्व नगर पालिका का अध्यक्ष 10 साल तक वाइस चेयरमैन रहा, 5 बार पार्षद बना। अब मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और लुनावत फाउंडेशन के अग्रिम पंक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो एक सपना था वह पूरा कर दिया। मैं तो ये सपने भी नहीं सोच सकता था कि इतना बड़ा सम्मेलन ये कर सकते हैं और आगे तो अब कितना बड़ा होगा। शायद अभी तक हम लोग 10% आए हैं लुनावत, आगे कितना बड़ा होगा। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सतीश और इनसे मैं पहले भी वही परिचय हूँ, सुरेश जी इनके पिताजी से। इन्होंने 20 बार फोन किया, 20 बार जब भी मीटिंग होती फोन आते, कुछ शारीरिक कारण कुछ परिस्थितियों के कारण मैं पहले मीटिंगों में शामिल नहीं हो सका, ये मुझे बड़ा दुख है। और आगे भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि लुनावत फाउंडेशन आगे बढ़े और बहुत काम करे। और एक मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने समाज का या लुनावत या जैन समाज का जो भी राजनीतिक में आता है उसको अपने तन मन धन से सहयोग कीजिए। अपने एक ऐसे वो सवाल जैन पिछड़े हैं जो सहयोग नहीं करते हैं, बाकी जाते हैं सब अपनी जाति को सहयोग करती है, जाट का बोर्ड जाट को, जाट की बेटी जाट को, अपने सहयोग नहीं करता। मैं आपसे हर जोर के निवेदन करता हूँ कि अगर आप राजनीतिक में या कहीं भी हो अपने जाति के लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद सागर जी, बहुत धन्यवाद। आपके विचार वास्तव में प्रेरणादायी है, हमें हमारे ही लोगों का सहयोग करना है। अगले परिचय के लिए बबलई से लुनावत परिवार से जो भी परिजन पधारे हैं, बबलई से करबद्ध निवेदन शीघ्रता से पधारें। उसके पश्चात